नमस्कार, स्वागत आप सभी का सिलसिला बाजारों का। मैं आपके साथ अखिलेश शाठी, और सिलसिला बाजारों का में डिस्कस करेंगे कम्युनिटी बाजार के बारे में। जानेंगे कम्युनिटी बाजार कैसा खुलता नजर आ रहा है, रूपा मेथड की क्या राय रहेगी। रूपा जी, देख रहे हैं मसालों की कीमतों में आज भी तेजी देखने को मिल रही है। मसाले NCDX पर आज भी अपनी खुशबू बिखेरते हुए नजर आ रहे हैं। धनिया देख रहे हैं कि 12,900 के ऊपर है, 13,044 का हाई लगा चुका है। जीरा देख रहे हैं 22,850 पर ट्रेड करता नजर आ रहा है, 23,010 का हाई लगा चुका है। और हल्दी 9,800 का हाई लगा चुकी है। रूपा जी, देख रहे हैं कि जो मसाले हैं अब धीरे धीरे अपने नए हाइस की ओर जाते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या अब मसालों में यहां से अच्छी तेजी बनना शुरू होने वाली है, या फिर यहां से अभी जो हेल्दी करेक्शन है वो एक्सपेक्टेड है? देखिए, ये तेजी है और अच्छी वाली तेजी है, ये ऑलरेडी आ चुकी है अब मार्केट में। आप देखिए, हम लगातार बताते आ रहे हैं कि बाजारों में स्पाइसेस के अंदर तेजी है, ग्वार के अंदर तेजी है, और आप देखिए अच्छी खासी मूवमेंट अब आ चुकी है। आप देखिए, मार्केट करेक्ट भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट काफी ऊपर आ चुका है। और यहाँ से अभी भी हमें लग रहा है कि जो धनिया है वो 13,000 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो और लंबी तेजी की तरफ जा सकता है। वहीं जीरे की बात करें तो जीरे में भी अभी 23 से 23,500 का टारगेट एक्सपेक्टेड है। और वहीं हल्दी को देखा जाए तो हल्दी भी 1,800 से लेकर 10,000 का स्तर छूती हुई नजर आ सकती है। तो मुझे तो लगता है कि अभी बेस मेटल में मसालों के अंदर अभी तेजी आना बाकी है और इनमें खरीदारी करके चला जा सकता है। जी, ये सिर्फ जी बात करें अगर ग्वार कॉम्प्लेक्स की, तो ग्वार देख रहे हैं कि गम तो 13,000 के ऊपर है और गवा सीड 6,600 के ऊपर। रूपा जी, क्या लगता है, क्या अप्रैल एंड होते होते गवार सीड 7,000 या उसके ऊपर का लेवल और ग्वार गम 14,000 या उसके ऊपर का लेवल दिखाने में सक्षम हो पाएंगे? देखिए, एक्सपेक्टेड तो है कि तेजी इतनी बन सकती है। और आप देखिए, जो हमने 13,000 का टारगेट दिया था, 13,500 तक मार्केट जा सकता है, वो टारगेट अचीव हो चुका है। एक बार प्रॉफिट बुक भी कर सकते हैं यहाँ पे, और सीड भी अभी 6,600 पर है, तो जिन्होंने निचले स्तरों से बाइंग की है वो प्रॉफिट थोड़ा बहुत बुक कर सकते हैं। लेकिन अभी भी यहाँ से पॉजिटिवनेस बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ग्वार अब यहाँ से चली तो मुझे लगता है कि 15,000 तक का स्तर छू सकती है, और वही सीड जो है वो 7,000 तक के स्तर भी छूती दिखाई दे सकती है। जी, ये सिर्फ जी कॉटन की बात करें तो M6 कॉटन देख रहे हैं आज भी 43,000 के ऊपर ही सस्टेन है। रूपा जी, देख रहे हैं कि जो M6 कॉटन का वायदा बाजार है वो 42,000 से 43,000 के दायरे में ही घूम रहा है, इससे ऊपर नहीं निकल पा रहा है। आपको क्या लगता है, क्या इस मंथ 44,000 या उसके भी ऊपर के लेवल्स देखने को मिल पाएंगे? देखिए, मुझे कॉटन में बहुत ज्यादा तेजी नहीं लगती है अखिलेश। कॉटन और बिनोला खल दोनों में ही मेरे हिसाब से अब यहाँ पर दबाव बनना चाहिए, और यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग हावी होती हुई दिखाई दे सकती है। फिलहाल इससे वेट एंड वॉच की पॉलिसी अपनाएं और बिकवाली की तरफ रहा जा सकता है। जी, ये सिर्फ जी कैस्टर में क्या लगता है, कैस्टर सीड में तेजी कब तक एक्सपेक्टेड है? क्योंकि हमने देखा है कि 7,500 का लेवल तो कैस्टर सीड ने दिखाया था, लेकिन वहां पे सस्टेन नहीं हो पाया था। तो क्या अब जो कीमतें नीचे आई है, यहाँ से कीमतें फिर से कम बैक कर सकती है? देखिए, कम बैक थोड़ा मुश्किल लग रहा है यहाँ से, और मुझे लगता है कि कहीं गिर ना जाए यहाँ से मार्केट। और अगर 7,000 के नीचे ब्रेक करता है तो एक अच्छा करेक्शन जाता हुआ दिखाई दे सकता है, क्योंकि जो 7,500 के ऊपर सस्टेन नहीं और वहाँ से लगातार प्रेशर है, और अगर यहाँ से गिरता है तो 1,800 तक के लेवल नीचे में देखने को मिल सकता है। जी, ये सिर्फ जी मक्के की बात की जाए तो विदेशी बाजार में देख रहे हैं कि मक्के की जो डिमांड है काफी ज्यादा निकल के सामने आ रही है पोल्ट्री से, और ये डिमांड तब से और ज्यादा बढ़ गई है जब से रशिया और यूक्रेन का वॉर स्टार्ट हुआ है। मंडियों में भी देख रहे हैं कि मक्का 2300-2400 तक बिकता नजर आ रहा है प्रति क्विंटल। इसी बीच आपको क्या लगता है, ये जो मक्के में जो तेजी आ रही है, क्या इस तेजी में अपना माल निकाल देना चाहिए, या फिर यहां से अभी और तेजी बन सकती है मक्के के अंदर? देखिए, तेजी बन सकती है क्योंकि एक्सपोर्ट पिकअप हो रहे हैं, इसकी वजह से एक्सपोर्ट डिमांड निकलने की वजह से हम देख रहे हैं कि कॉर्न के अंदर एक उछाल बनता दिखाई दे रहा है। लेकिन हाँ, यहाँ पर जो तेजी आ रही है, इस तेजी में थोड़ा थोड़ा लिक्विडेट करने की भी रणनीति होनी चाहिए, सारा माल होल्ड नहीं करना चाहिए, और ओवरऑल ट्रेंड जो है वो थोड़ा पॉजिटिव अब बनता हुआ दिखाई दे रहा है। जी, ये सिर्फ जी बात करें अगर राइस की, चावलों की, तो देख रहे हैं कि मक्का की सप्लाई इतनी नहीं है विदेशों में, विदेशी बाजार में डिमांड तो ज्यादा है लेकिन सप्लाई इतनी नहीं हो पा रही रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से, जिसकी वजह से पोल्ट्री उद्योगों से मक्के की जगह अब चावल की मांग उठने लगी है। चावल की कीमतें भी हमने तेज होती हुई देखी हैं, तो आपको क्या लगता है, क्या अभी चावल को थोड़ा स्टॉक करके चलना सही रहेगा? देखिए, अभी थोड़ा सा स्टॉक नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से, अभी थोड़ा सा
प्राइसेस जो है वो रेंज बाउंड रह सकते हैं फिलहाल के लिए। कोई बहुत ज्यादा डिमांड की खबरें निकल कर नहीं आ रही है, कोई बहुत ज्यादा डिमांड पिकअप नहीं हो रही है जिसकी वजह से राइस के अंदर तेजी बनती हुई दिखाई दे। फिलहाल के लिए मुझे लगता है कि एक सीमित दायरे में कारोबार देखने को मिल सकता है जी। ये शिल्पा जी देख रहे हैं वीट की कीमतें, गेहूं की कीमतें दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है, मंडियों के अंदर भी बंपर आवकें हैं, लेकिन उसके बावजूद भी गेहूं की कीमतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं, एमएसपी से ऊपर ही बिक रही हैं। इस बार किसान हो गए, निवेशक हो गए या बड़े कारोबारी हो गए मिल वाले, वो भी इस बार हैरान है कि गेहूं की कीमतें इस बार इतनी कैसे मिल गई। तो रूपा जी आपको क्या लगता है, जिस हिसाब से वीट का निर्यात हो रहा है इंडिया से फॉरेन कंट्रीज को, तो क्या थोड़ा माल अभी रोक भी लेना चाहिए, क्या ऐसा करना सही रहेगा? देखिए गेहूं में अभी तेजी है और उछाल जो है वो बना रह सकता है और आगे चलकर भी थोड़ा सा एक्सपेक्टेड है कि निर्यात मांग अगर बढ़ती है तो तेजी बनी रह सकती है, तो छुटमुट जो है वो बिकवाली की जा सकती है। लेकिन वहीं अगर रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध की स्थितियां और ज्यादा मतलब कंटिन्यू में रहती हैं तो डेफिनेटली गेहूं की मांग बढ़ेगी और उससे कीमतों को सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा। और इस बार एक्सपेक्टेड भी है कि इस साल गेहूं का एक्सपोर्ट ज्यादा किया जा सकता है, तो बिल्कुल अगर हो कर सकते हैं तो कुछ एक समय के लिए होल्ड किया जा सकता है जी। ये सिर्फ जी बात करें अगर लहसुन के बाजार की, तो लहसुन का उत्पादन देख रहे हैं कि पिछले साल के मुकाबले दोगुना है, बाजार काफी ज्यादा टूटा है इस बार, किसानों ने जो स्टॉक भी कर रखा था पिछले साल और एकदम से आवक ही बढ़ी थी तब भी हमने बाजार टूटता हुआ देखा था, और अब नया माल भी आ रहा है लहसुन का मंडियों के अंदर, आवकें जोरदार हैं जिसकी वजह से बाजार भी टूटता नजर आ रहा है, तो आपको क्या लगता है क्या अभी हाल फिलहाल में लहसुन का जो बाजार है वो ऐसी मंदा वाला बने रहने वाला है? देखिए मैंने पहले भी बताया था कि लहसुन में तेजी नहीं है और अच्छी खासी प्रोडक्शन भी है, पीछे जब प्राइसेस अच्छे थे तो उसके बाद से फार्मर्स एक बार बहुत जब प्राइसेस अच्छे निकलने लगे तब यहाँ पर सोलिंग बढ़ती हमने देखी और उसकी वजह से देखा कि अब प्रोडक्शन ज्यादा है लेकिन प्राइसेस काफी नीचे गिर चुके हैं और अभी तो डिमांड भी नहीं है और अभी थोड़ा सा बाजार सुस्त रह सकता है। एक हफ्ते तक तो मुझे लगता है कि कोई बहुत ज्यादा उठाव आने की उम्मीद नहीं है जी। ये सिर्फ जी बात की जाए अगर सोयाबीन की, तो सोयाबीन देख रहे हैं कि इंटरनेशनल मार्केट में फिर से तेजी की ओर जाती हुई नजर आई है, सोयाबीन की कीमतों ने फिर से रिकवरी दी है और अच्छी खासी रिकवरी दी है एक से दो ट्रेडिंग सेशंस के अंदर अंदर ही, $1600 के ऊपर फिर से कीमतें निकली हैं, अच्छी खासी बढ़त है। ऐसे में आपको क्या लगता है अमेरिका में इस बार जैसे रिकॉर्ड उत्पादन हो सकता है, बुआई का जो रकबा है सोयाबीन का वो बढ़ाया जा रहा है अमेरिका के अंदर, अर्जेंटीना और ब्राजील में लगातार उत्पादन अनुमान में कटौती की जा रही है, वहीं भारत में किसानों ने सोयाबीन को स्टॉक किया हुआ है और विदेशों में कीमतें बढ़ रही हैं, तो इन सब के मद्देनजर अब आपको क्या लगता है सोयाबीन में आगे का कारोबार कैसा रह सकता है और किसानों को क्या सलाह देना चाहेंगी आप? सोयाबीन में अभी तेजी का रुझान बना रह सकता है लेकिन इस तेजी के अंदर वही जिनके पास रखा है मेरी हम यही सजेशन रही है कि निकालते रहे माल को, क्योंकि कभी भी करेक्शन में मार्केट जा सकता है। नो डाउट अभी तक फंडामेंटल सपोर्टिव है लेकिन आगे जैसे सोइंग के आंकड़े आएंगे उसके बाद से दबाव बनता हुआ दिखाई दे सकता है, लेकिन फसल कैसी रहेगी उसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करेगा। लेकिन हाल फिलहाल के लिए बाजार तेज है और इस तेजी में लिक्विडेट करते रहना चाहिए जी। रूपा जी एडिबल ऑयल में क्या लगता है आपको, देख रहे हैं सरसों का रिकॉर्ड उत्पादन होने के बावजूद भी खाद्य तेलों की जो कीमतें हैं वो लगातार बढ़ती ही जा रही हैं, तो ऐसे में क्या लगता है आपको क्या ऐसी सिचुएशन के अंदर कुछ इंपोर्ट ड्यूटी के लेकर या फिर किसी और तरीके से खाद्य तेलों की कीमतों को रोकने के लिए कुछ फैसला आने की उम्मीद है? देखिए खाद्य तेलों की कीमतें अभी फिलहाल डिमांड जो है वो निकलती हुई दिखाई दे रही है और ये जिस तरीके से विदेशी बाजारों का सिनेरियो है उसका इम्पैक्ट भारतीय बाजारों पर आता हुआ दिखाई दे रहा है जिसकी वजह से कीमतें तेजी की तरफ है और हम देखते हैं कि एक दो दिन करेक्शन आता है लेकिन उसके बाद से फिर निचले स्तर पर खरीदारी देखने को मिलती है। ओवरऑल अभी ट्रेंड जो है वो काफी पॉजिटिव है क्योंकि प्रोडक्शन काफी कम है, इसकी वजह से हम देख रहे हैं कि अगर एक एडिबल ऑयल के प्राइस में तेजी आती है तो बाकी सभी का भी के ऊपर भी उसका इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई देता है और रूस यूक्रेन के युद्ध की वजह से भी हम देख रहे हैं कि तेलों के अंदर तेजी है और अभी के लिए तेजी बनी रह सकती है जी। रूपा जी टॉपिक्स के देना चाहेंगी आप? देखिए टॉपिक की बात करें तो आज मुझे लगता है कि मसालों में अगेन जो है वो तेजी का रुझान बना रह सकता है और जीरा 23,000 के पार जा सकता है और वहीं हल्दी भी 9800 से 10,000 का स्तर छूती दिखाई दे सकती है, तो यही कमोडिटीज हैं जिनमें मसालों में बाइंग करके चला जा सकता है जी। बहुत बहुत शुक्रिया रूपा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए।
तो ये था एक छोटा सा कम्युनिटी बाजार का अपडेट कि कम्युनिटी बाजार कैसा खुलता नजर आ रहा है और कम्युनिटी बाजार में किस कम्युनिटी में कहाँ पे कितने कमाई के मौके हैं। फिलहाल सिलसिला बाजारों का मैं अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन आप कहीं जाएगा नहीं क्योंकि मुनाफे की खबर लगातार यही बनी रहेगी मार्केट एमसीवी पर।